वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीटी प्रीटी लाइफ। सो आज हम जा रहे हैं घर पर ब्लीच यूज करने के लिए, तो सोचा मैं क्यों नहीं आप लोगों को भी शेयर कर दूं। तो सो ये VLCC का गोल्ड ब्लीच है और ये क्रीम है, ये एक्टिवेटर है और ये जो पैकेट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत यूज कर सकते हो। और ये जो है पैकेट, आप इसे ब्लीच के बाद यूज करिए। सो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलता रहेगा कि कौन कैसे यूज करना है। हे फैमिली, तो सो चलते हैं हम लोग इसे स्टार्ट करने के लिए और स्टेप टू स्टेप मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसे यूज करती हूँ। सो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। तो सो चलते हैं इसे। ये क्रीम है, आप क्रीम को आप अपने अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग आपको कितना यूज करना है आप इसे ले सकते हो। आपको कितना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। तो सो मुझे ये नेक पे भी लगाना है तो मैं उसके हिसाब से इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए दिखा, और मुझे नेक तक अप्लाई करना है तो आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से निकाल सकते हो। और ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का ज़्यादा आप यूज़ मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज करने से फेस थोड़े से डल, मतलब ब्लैक दिखने लगते हैं, सांवला दिखने लगता है। ये ओपन नहीं हो रहा है, ट्राई करते हैं। सो ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर को बहुत ज़्यादा यूज मत करिएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इतना सा एक्टिवेटर डाला है और इसे प्रॉपर मैं मिक्स कर देती हूँ। इसे मिक्स आप बहुत अच्छे से करिएगा तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ब्लीच को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए। और अब इसे चलते हैं अप्लाई करने के लिए। देखिए फिंगर की हेल्प से आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा। ये थ्रेडिंग्स पर ना लगे क्योंकि वहाँ के भी कलर थोड़े ब्राउन हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, इसमें मिलता है, आप निकाल के देख सकते हो। सो चलते हैं इसे स्टार्ट करते हैं। मैं मिरर ले लेती हूँ वरना ऐसे तो लगेगा नहीं। सो ब्लीच को मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है फेस से लेकर नेक तक। और कभी भी अगर आप ब्लीच और फेशियल करते हो तो आप नेक को पूरा कवर करिए। फेस पे लगा लिया, नेक पर नहीं लगाया तो कलर तो डिफरेंट लगेगा ही, तो आप फेस और नेक दोनों अप्लाई करिए ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक बराबर लगे। सो इसे वेट करते हैं 15 मिनट तक के लिए। और आप मतलब कि इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कितना मिनट तक वेट करना है। सो मैंने तो इसमें पढ़ा है इसमें 15 मिनट तक वेट करना है। सो 15 मिनट के बाद फिर सो 15 मिनट हो गया है और मैं इस ब्लीच को साफ कर देती हूँ। आप एक हैंगी या कॉटन के कपड़े में जो सॉफ्ट हो आप इसे साफ करिए और देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। सो इसे साफ करते हैं, बहुत इसे रगड़ कर नहीं साफ करना है, सॉफ्ट करके आप इसे साफ करिएगा। ये ऐसे 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 रगड़ने लगे नहीं, ये पूरा फेस जो वो रेड हो जाएगा। और पूरा साफ़ हो गया है, मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। आप फिर थोड़ा सा इसको पानी में अपने हैंकी को थोड़ा सा भिगोकर इसको अच्छी तरीके से पूरा साफ़ कर लीजिए।
और ब्लीच के बाद अगर आपको थोड़ा सा फेस में अगर जलन लगता है, आप इसे बर्फ से हल्का 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 का मसाज कर लीजिएगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। फेस मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है। लास्ट में आपको ये वाला यूज करना है, ऐसे उल्टा दिखता होगा आपको, देखिए, और इसे फेस पे पूरा प्रॉपर इसमें बचाइएगा, मतलब पूरा इसका यूज कर लीजिएगा, पूरे फेस में लगाइएगा, पूरे नेक तक इसे आप इसे अप्लाई करिएगा, ऐसे नेक में भी यूज करिएगा और थोड़ी इसे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको मसाज करिएगा। बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करना है, हल्का मसाज इसको देना है और इसको जब तक आप इसको मसाज करते रहिए, जब तक ये पूरा क्रीम ऑब्जर्व ना हो जाए, मतलब सूख ना जाए, स्किन के अंदर तक ना चली जाए, ये सूख जाएगी। सो ब्लीच के बाद जो मैं पैक लगाई थी वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो गया है, सूख गया है। सो देखिए फेस पे बहुत अच्छी तरीके से ग्लो भी आया है और फेस शाइन लग रहा है। सो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।